10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एनपी सिंह के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल एवं आपराधिक शमनीय एमसीटी एनआई एक्ट 138 आपराधिक मामले एवं वैवाहिक विवाद तथा घरेलू हिंसा, श्रम विभाग के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामले, सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले एवं अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्री लिटिगेशन प्रकरण अर्थात मुकदमा पूर्व प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। उज्जैन जिले में इस बार नेशनल लोक अदालत में 1000 केस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन में लगातार 2 माह अदालतें बंद होने से उक्त लोक अदालत अत्यधिक उपयोगी रहेगी। अदालतों में मुकदमों का अंबार लग गया है, इसलिए नेशनल लोक अदालत की तैयारी अभी से की जानी चाहिए। क्लेम प्रकरण अधिक से अधिक निराकृत हों, इसलिए क्लेम प्रकरणों में कंपनी व पक्षकारों में समझौता शुरू कर दिया गया है। 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय उज्जैन सहित समस्त तहसील विधिक सेवा समितियों क्रमशः खाचरोद, नागदा, तराना, महितपुर व बड़नगर में 47 खंडपीठ का गठन किया गया तथा समस्त न्यायालयों द्वारा लंबित समझौता योग्य लगभग 5,565 प्रकरण रेफर किए गए, जिनमें लगभग 1,000 प्रकरणों में राजीनामा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जिला कोर्ट उज्जैन में भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें क्लेम, बिजली सहित हजारों प्रकरण रखे जाएंगे। लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्ति व जल कर और बिजली कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा के मुताबिक 10 जुलाई को विभिन्न जजों की खंडपीठों का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रकरणों का निराकरण होगा। क्लेम प्रकरणों के निराकरण के लिए पक्षकारों और बीमा कंपनियों के बीच समझौता की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है। कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश शेवीवी कंपनी मक्सी रोड उज्जैन द्वारा लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जुलाई को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह इस वर्ष की पहली लोक अदालत है। इसमें विद्युत के प्रकरण, 138 नेगोशिएबल स्टिपेंडेट के प्रकरण और सभी राजीनामा योग्य प्रकरण लिए जा रहे हैं। इस लोक अदालत में हमने कई इस प्रकार के कई निर्णय लिए हैं, जिसमें कि अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम एवं उपभोक्ता न्यायालय के, श्रम न्यायालय के भी प्रकरण लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य हैं उस सुनवाई पर लिए जा रहे हैं। इस बार पहली बार जैसे हमने प्रयास किया है और सहरसा से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी उज्जैन में केवल उन प्रकरणों के न्यायिक रूप में बैठकर निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जो प्रकरण धारा 188 आईपीसी के हैं, मास्क नहीं लगाने के हैं, कोविड के कारण जो कर्फ्यू जारी हुआ था उसका उल्लंघन किया गया था, जो वाहन जब्त हुए थे, ट्रैफिक के जो चालान हैं उनकी सुनवाई भी, पुलिस एक्ट की सुनवाई भी, अन्य सभी प्रकार के छोटे मोटे मामले हैं उनकी मजिस्ट्रेट पृथक रूप से बैठकर निराकरण करेंगे। क्योंकि उज्जैन एक बहुत बड़ा जिला है, तो हेडक्वार्टर पर हमने 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है, जो इस प्रकार के प्रकरणों का सुनवाई करके जो भी दंडादेश देना होगा वो पारित करेंगे, अंतरण देंगे, जिससे कि काफ़ी संख्या में जो लंबित मामले हैं वो निराकरण त्वरित रूप से हो सकें और हमारे न्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ न पड़े। सर, इसमें किस प्रकार की कोई छूट का प्रावधान दे रहे हैं आप? हाँ, छूट का जहाँ संबंध है उस संबंध में बिजली विभाग ने हमको थोड़ा लेट सूचना दी है, लेकिन 20% जो बिल का राशि रहेगी उसमें हमको छूट दी गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये छूट हमको देर प्राप्त हुई है, जनमानस तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचाएँ कि कल जो प्रकरण रखे जाएंगे भले नोटिस में उसका उल्लेख न हो, लेकिन 20% हम इसमें छूट आपको लोक अदालत में राजीनामा करने पर प्रदान करेंगे। सर, एक ऑनलाइन की भी आपने सूचना दी। हाँ, और यह लोक अदालत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। हमने ये सुविधा प्रदान की है कि अधिवक्ता भी राजीनामा करने के लिए सक्षम है और जिन प्रकरणों में हमको कुछ संदेह होगा
और पक्षकार ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करके या फेस टाइम से या जिस प्रकार से हो वो हमसे जुड़ सकता है और जहाँ पर है वहाँ से रहकर अपने प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करा सकते हैं। पर्यावरण को लेके भी आपने चिंता जताई है। वन विभाग को हमने निर्देश दिया कि 1000 हमको पौधे फलदार पौधे उपलब्ध कराएंगे जो कि हम पक्षकारों को देंगे और वो उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने घरों में निवास में पब्लिक प्लेस पर पौधों को लगाएं उनकी देखभाल करें जिससे कि हम पर्यावरण का भी हम का संरक्षण के संबंध में भी लोक अदालत के माध्यम से हम जनमानस में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। थैंक यू।